और भाई क्या हाल चाल। तो चलिए जानते हैं कि ये जो आपके ब्लॉगर साइट के जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो एम के बाद जो बन आता है जो उसको कैसे हटाते हैं। जैसे देखिए ये साइट है, इसका मैं यूआरएल को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको देखिए क्रोम ब्राउजर पे इसको पेस्ट करूँगा, तो देखिए इस वेबसाइट की, तो यार इस वेबसाइट के बाद एम बन क्यों नहीं आया। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे करते हो तो ये चीज़ आपके ब्लॉग में भी नहीं आएगी, लेकिन आप हमेशा तो यूज मोबाइल का ही करते हो तो यार कंप्यूटर का तो करते नहीं हो हर बार, ठीक है। तो किसी को हम अपनी लिंक देते हैं तो उसके बाद वो उस चीज़ को एम बन करके आता है। तो देखिए मैं अपने ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो देखिए अगर ये नेम वाली प्रॉब्लम आपको आ रही है तो इसके लिए मैंने दो वीडियो बना के रखी हैं, आप उन दोनों वीडियो में से कोई भी एक वीडियो देख लो, आपकी नेम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने अपने ब्लॉगर साइट का यूआरएल कॉपी कर लिया, अब मैं इसको क्रोम पे ओपन करता हूँ, देखिए ठीक है। पहले मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर लेता हूँ इसको, फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए चलिए कॉपी कर लेता हूँ, सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कॉपी कर डायरेक्ट क्रोम पे ये खोल रहा है, तो मैं क्रोम पे खोलता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको खोलूँगा, तो देखिए इसकी साइट में जो, देखिए अभी मैं पेंसिल वाला आइकन बताऊँगा आपको, तो इसकी साइट में देखिए यहाँ जो पेंसिल है इस पर क्लिक किया तो देखिए एम के बाद इक्वल लगा के बन लगा है, तो ये बन क्यों आ रहा है बार बार। और ठीक है, और अगर आप उसको लैपटॉप पर ओपन करते हो तो ये बन नहीं दिखेगा, तो यार ये क्यों आ रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने फ़ाइल डाउनलोड की है, तो आपको वो फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही दे दूंगा वो कोड बना के। ये कोड मैंने एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने फ़ोन में, तो देखिए इसको मैं अपने जेप फाइल से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और उस कोड को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ये कोड को सेम टू सेम आपको भी कॉपी कर लेना है, तो ये कोड मैं आपको अपने मेरी ब्लॉगर साइट पे दे दूंगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मेरे ब्लॉगर साइट का एड्रेस दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके इस पूरे यूआरएल को सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। तो ठीक है मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं इसको अपने व्हाट्सएप पर सेंड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ये मैं अपने व्हाट्सएप पर मैंने पेस्ट कर दिया, अब इसी को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है। इसको दोबारा से देखिए यहाँ से ये वो कोड है जिसको आप ये हमारे उस एम स्क्वायर को एम इक्वल और वन को हटा देगा, ठीक है। तो उसको मैंने कॉपी कर लिया, अब आपको आपके यूआरएल में जाना, यूआरएल में नहीं मतलब आपके ब्लॉग लिस्ट में जाना है, और किस भी जिसमें भी आपके पास ब्लॉग एड्रेस है तो आपका जो भी ईमेल लगा है उसको एड्रेस करके आपको आपके भी ईमेल से आपको आपके ब्लॉगिंग साइट में आ जाए। उसके बाद आपको थीम्स पे आना है, ठीक है। थीम्स पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कस्टमाइज, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ, तो ये जो नीचे डॉट सा दिख रहा है ना ये एरो टाइप का, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करोगे, देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको आपके इस चीज़ का बैकअप ले लेना है, क्योंकि अगर हम लोग इसकी कोडिंग को छेड़ेंगे थोड़ा सा तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे पास बैकअप रहेगा, हम बैकअप लेके दोबारा से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैकअप ले लेना है, ठीक है। बैकअप लेने के बाद इसके बाद जो फोर्थ नंबर का दिख रहा है एडिट HTML, ठीक है, इसको हमको एडिट करना है, तो सबसे पहले इसको क्लिक कर देना। इसके बाद इसकी जो जो वेबसाइट है इसका पूरा पीछे का देखने लगेगा, जो इस वेबसाइट के पीछे रनिंग में क्या चल रहा है, तो इसके सबसे लास्ट में जाना है बिल्कुल। तो देखिए कोड लिखे होंगे तो आपको सबसे नीचे पहुंच जाना, बिल्कुल सबसे नीचे जहां पे जो ख़त्म हो जाए ना वहीं पे पहुंचना है आपको, ठीक है। तो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये 4000 कुछ का होगा मतलब, ठीक है, इतने आपके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अभी 18 चल रहा है, तो 4000 पे जैसे ही पहुँचेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 4000 कुछ होता है, ठीक है, तो मैं स्क्रॉल करते चल रहा हूँ, देखिए करते चल रहा हूँ। और ये कोड मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उस कोड पर पहुँच जाओगे, वहाँ से आपको वो कॉपी कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए मैं स्क्रॉल होता जा रहा हूँ, स्क्रॉल होता जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, अब हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो
ये देखिए बस होने ही वाला है, बस थोड़ा सा और स्क्रॉल करना। इस कोड को बिल्कुल छेड़ना नहीं है आपको, बस ये साइड से जो स्लाइड चल रही है ना, इसको जैसे नंबर है इसको ही स्क्रॉल करना है। इधर कोड को छेड़ोगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अब आपके बाद जो लास्ट पर देखिए ये बॉडी लिखा है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो बॉडी लिखा है यहाँ पर आपका कोड ख़त्म हो रहा है। तो ये बॉडी से पहले, ठीक है, बॉडी से पहले ये देखिए ये क्या लिखा है, 4121वीं लाइन पर ये लिखा है। तो आपको क्या करना है, ये जो 4120वीं लाइन है उस यहाँ से आपको एक ये वाला जो स्पेस वाला होता है ना एंटर वाला, एंटर करोगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। तो यहाँ पर वो कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए बॉडी को मैंने नीचे कर दिया है वहाँ से एंटर मार के, और इस चीज़ को मैंने देखिए यहाँ पर वो पेस्ट कर देता हूँ वो कोड जो मैंने दिखाया था, ठीक है। ये कोड आपको मैं दे दूँगा, आपको कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करने के बाद आपको देखिए सेव का ऑप्शन दिखेगा, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना, देखिए ये 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस ये कोड हो गया है और यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो चेक कर लिया, अब यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो चलिए बैक चलते हैं अपने होम पर, इसको बैक करते हैं। तो ये हमारा कस्टमाइजेशन है, इसको देख लिया है, तो चलिए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अब इसकी साइट को मैं दोबारा से बोल लेता हूँ, इसका URL दोबारा से लेता हूँ मेरे ही साइट का, कि अभी जो m1 square आ रहा था स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था m=1 आ रहा था। तो देखिए इस पर मैं दोबारा से ये मैंने कॉपी कर लिया मेरा ब्लॉग, और इसको मैं दोबारा से क्रोम ब्राउजर पर जाऊंगा और वहां से इसको फिर से ट्राई करूंगा कि अब वो m=1 आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये न्यू टैब किया मैंने और यहाँ पर मैं उसी चीज़ को दोबारा से कॉपी किए पेस्ट कर दिया। अब देखिए अब ये वही चीज़ है जिस पर देखिए पहले m=1 आ रहा था और देखो अब नहीं आ रहा है। तो यार मैंने इसमें कोई भी ऐसा नहीं किया कि पहले से हटा दिया हो, आप खुद चेक कर सकते हैं, आपके भी ब्लॉग में कोई सा भी ब्लॉग ट्राई करोगे हो जाएगा पक्का। तो यार उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई, तो यार इस टाइप का लेटेस्ट वीडियो आपको ब्लॉगिंग साइट के बारे में आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। तो यार चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस टाइप का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर देना वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए मिलते हैं।